हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से एक पोयम, द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। जैसा कि पोयम का टाइटल से ही आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक रेन जो है वो कैसे अपना पूरा लाइफ साइकिल के बारे में बताता है। एक रेन क्या क्या बताता है वो सब चीज़ हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब रेन वो अपना पूरा लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करेगा, प्लस वो क्या क्या रोल परफॉर्म करता है उसका सिग्निफिकेंस वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रेन को कंपेयर किया गया है म्यूज़िक के साथ या फिर पोएम के साथ, ये तीन चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में इस पोएम को स्टडी करना। तो देखिए, सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पे आई है ये पोएट। पोएट बोलते हैं कि पोएट किसको बोलते हैं? सॉफ्ट फॉलिंग। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब होता है ड्रॉपिंग सॉफ्टली, जो काफ़ी आराम से धीरे धीरे गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और शावर का मतलब आप जानते हैं हल्का बारिश। तो ये जो पोएट है वो इस रेन को, जो कि काफ़ी धीरे धीरे गिर रहा है, उस रेन से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि और तुम कौन हो। दाउ का मतलब होता है यू, ये सब आप अपने बुक में भी लिखते चलिए। ठीक है, आर्ट ये सब पुराना इंग्लिश है, इसको अभी हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोएट इस रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, विच विच यानी इस शावर को, रेन को कहा गया है कि रेन गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। तो रेन जो है, जो शावर है, वो ये सब आंसर देता है। ठीक है, और ये जो रेन का जो आंसर देना है पोएट के लिए काफ़ी स्ट्रेंज है। पोएट जो है वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि एक रेन भी है जो बोल सकता है लाइक ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे रेन को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, समझे। आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि रेन एक नॉन लिविंग थिंग है, वाटर एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह बोल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर रेन जो है वो पोएट को आंसर देता है ये सब आंसर। पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा रेन से कि तुम कौन हो, तो रेन ये सब आंसर दे रहा है। तो रेन का आंसर देना पोएट के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है ये काफ़ी स्ट्रेंज है। पोएट काफ़ी सरप्राइज हो गए ये देखकर कि रेन या फिर शावर भी बोल सकता है या फिर उनके पास भी एक वॉइस है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो पोएट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रीडर्स भी इस बात को सुन के, हमारे लिए भी ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगे। तो हमें स्ट्रेंज तो लग ही रहा है कि रेन कैसे आंसर दे सकता है। तो जितना सरप्राइजिंग पोएट के लिए था उतना ही सरप्राइजिंग हमारे लिए भी है। बातें कर रही, समझ रहे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ये रेन का आंसर देना पोएट के लिए क्यों स्ट्रेंज था। तो आमतौर पर क्या होता है कि रेन एक नॉन लिविंग थिंग है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये ह्यूमन बींग्स की तरह बात करे, लेकिन यहाँ पे रेन पोएट को आंसर देता है, इसलिए ये पोएट के लिए काफ़ी स्ट्रेंज या फिर सरप्राइजिंग था, समझे। इतना बात आपको लिखना है। चलिए आगे बता देंगे आपको क्या क्या याद करना है, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। तो अभी तक हमने देखा कि ये पोएट है, ये इस शावर से बोलते हैं, वो शावर जो काफ़ी सॉफ्ट फॉलिंग है, ठीक है, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो अब ये रेन आंसर करेगा जो कि ये सब है। रेन बोलता है कि देखिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन। वो रेन का जो वॉइस है वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, अर्थ का पोएम हूँ। पोएम यानी सॉन्ग यानी म्यूज़िक, ठीक है, जो भी आप तीनों एक ही चीज़ यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, तो रेन बोलता है कि मैं अर्थ का म्यूज़िक हूँ, सॉन्ग हूँ। जिस तरीके से सॉन्ग जो है वो क्या करता है, अपने आसपास के जगहों पे एनर्जी, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाता है। ठीक है, जो लिसनर है सॉन्ग उनको क्या देता है, प्लेजर देता है और हैप्पीनेस भी देता है। ठीक है, उसी तरीके से रेन जो है वो क्या करता है, अर्थ को क्लीन या फिर रेजुविनेट करता है। ठीक है, ये सब वर्ड आप याद करते चलिए, ये सब वर्ड आपको आंसर्स में लिखना पड़ेगा। और रेन जो है अब वो अर्थ को थ्रिल बोल सकते हैं या फिर रेजुविनेट, मतलब वापस इसमें लाइफ फूक देता है रेन, ठीक है, अर्थ में, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे वो ये बोला गया कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। जिस तरीके से एक पोएम अपने लिसनर्स को क्या देता है, प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है, ठीक है, उसी तरीके से रेन भी जो है वो अर्थ को हैप्पीनेस, प्लेजर, थ्रिल, रेजुबिनेट कर देता है, समझे। फिर आगे देखिए, आगे बोला गया है इटर्नल आई राइज। ये सब कंटिन्यूअस वो रेन ही बोलते जा रहा है। ठीक है,
वो बोलता है कि इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है इटर्नल और एक है इम्पैल्पेबल। दोनों को हम येलो से हाईलाइट कर रखे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले इटर्नल का मीनिंग जानिए। इटर्नल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा चलता रहे, ठीक है। इम्पैल्पेबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, डैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। तो देखिए, रेन जो बोलता है, रेन एक प्रोसेस है कि नहीं। पहले ज़मीन से पानी उठेगा वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, एवापोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर ये क्लाउड्स में कन्वर्ट होगा, फिर वापस ये नीचे ज़मीन पर गिरेगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरा जो लाइफ साइकिल है रेनफॉल होने का, ये क्या है? एक इटर्नल प्रोसेस है, एवर लास्टिंग, हमेशा चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए वर्ड है इटर्नल। आई राइज, ठीक है, इम्पैल्पेबल, और जब रेन जो उठता है ना ज़मीन से, वो इम्पैल्पेबल, आप उसको टच नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारे आसपास के हवा में क्या है, पानी है, वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, क्या हम उसको कभी टच करके फील कर सकते हैं? क्या हम उसको फील नहीं कर सकते? इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि रेन जो है वो जब उठता है कहाँ से, लैंड से, और जब सी से उठता है, वो एक इम्पैल्पेबल फॉर्म में उठता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में उठता है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या है? इटर्नल है, यानी एवर लास्टिंग है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, समझे? तो एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे सी को बॉटमलेस कहा गया है। ये सी ऐसा है मानो इसका कोई बेस ही नहीं है, बॉटम ही नहीं है, मतलब ये सी क्या है? बहुत गहरा है। तो यहाँ पे बॉटमलेस वर्ड का मतलब क्या होगा? वेरी डीप, ठीक है। तो ये जो रेन है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है? तो लैंड से भी वाटर एवेपोरेट होता है और ये सी से भी वाटर एवेपोरेट होता है। तो लैंड और सी, ये दोनों जगह से रेन जो है वो क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, समझे? किस फॉर्म में? इम्पैल्पेबल फॉर्म में। और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्या है? इटर्नल है। बात अगर ही समझ रहे, चलिए अब आगे देखिए। राइज हो गया, अब ये वाटर वेपर उठ के कहाँ जाएगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठे जा रहा है, टू हेवन। हेवन यहाँ पे बोलने का मतलब है स्काई। वो वाटर वेपर जो है इम्पैल्पेबल फॉर्म में स्काई में पहुँच गया। वेंस, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। स्काई में पहुँचने के बाद अब क्या होता है वहाँ पे? वेगली, मतलब अनक्लियरली। ये सब वर्ड आप भी लिखते चलिए मीनिंग, ठीक है, बाद में आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये एक बार स्काई में पहुंचने के बाद ये वाटर वेपर वेगली फॉर्मड हो जाते हैं, मतलब अनक्लियर सा, एक अनडिस्टिंक्ट सा, इनडिस्टिंक्ट सा एक शेप ले लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? क्लाउड्स। स्काई में पहुंचने के बाद वो क्लाउड्स बन जाते हैं, ऑल टुगेदर चेंज, उसका रूप अब पूरा ही बदल चुका है। पहले सी में पानी के रूप में था, ठीक है, फिर वाटर वेपर, फिर अब क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया वो। एंड येट द सेम, उसका सिर्फ क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है, बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका सिर्फ रूप बदल रहा है पानी का, लेकिन जो कोर मैटर है ना, कोर मैटर जिससे वो बना है, वो सेम है। कोर मैटर जो कि है वाटरी है, वो जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही है, भले ही वो क्लाउड्स में रहे या फिर सी में रहे या फिर वाटर पेपर में रहे, समझे? तो देखिए, रेन बोलता है कि मैं अर्थ का पोयम हूँ, मैं इटर्नल राइज करता हूँ, इम्पैल्पेबल हूँ जब मैं लैंड और सी से उठता हूँ। उठ के कहाँ जाता हूँ? स्काई में जाता हूँ, जहाँ पे मैं वेगली फॉर्म यानी क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता हूँ। मेरा रूप जो है, फॉर्म जो है, वो पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन मैं अंदर से सेम ही हूँ, मेरा केमिकल नेचर सेम ही हूँ, मैं वाटर ही हूँ। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिए। एक बार क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आई यानी यहाँ पे रेन, डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ उतरना, ठीक है, मैं अब फिर नीचे गिरता हूँ, अब बारिश होगा, ठीक है, क्लाउड्स बन गया, तो अब क्लाउड्स होने के बाद क्या होता है? बारिश। तो बारिश होगा, बारिश होते ही टू लेव, लेव का मतलब यहाँ पे लिखा है वॉश या फिर बाथ, भिगा देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये रेन जो है जब नीचे उतरता है तो किसको भिगा देता है? देखिए, द ड्राउट्स, जो सूखापन है, उस सूखेपन को वो वहाँ पे हटा देता है, उसको, उस एरिया को भिगो के, ठीक है। एटोमीज का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ड्राउट्स वाले एरिया को भिगा देता है एटोमीज, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन सबको भिगो देता है, ठीक है। फिर डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जितने भी अर्थ पे धूल है उसको साफ कर देता है, और साफ करके अर्थ यानी ग्लोब को क्या में कन्वर्ट कर देता है? अर्थ को क्लीन एंड ग्रीन बना देता है। ये दो वर्ड आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए,
इसके अलावा और क्या क्या करता है, एंड ऑल डैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। और रेन बोलता है कि अगर हम नीचे नहीं उतरते तो क्या होता, वो सभी चीज़ बीज में ही रह जाते, हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपे हुए ही रह जाते और कभी जन्म ही नहीं लेते। मतलब रेन बोलना चाह रहा है कि ये जो सीड्स होते हैं ना, अगर बारिश नहीं होता तो ये सीड जो है वो सीड ही रह जाते, अर्थ के अंदर दबे हुए ही रह जाते, छिपे ही रह जाते, कोई इनको नोटिस ही नहीं करता और कभी ये पैदा ही नहीं होते। तो वो तो बारिश ही है जिसके कारण ये सीड्स जो है वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, इनको एक नया लाइफ मिल जाता है। समझे कि नहीं, ये जर्मिनेट वर्ड आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और फिर ऐसा ही ये प्रोसेस हमेशा ही चलता रहता है, दिन हो या फिर रात हो, मैं अब वापस लाइफ किसको देता हूँ, ओरिजिन को। कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, तो लैंड, लैंड में जो ट्रीज है वो, और साथ ही साथ सी, इन सबको भी रिचार्ज करता है वापस वो रेन, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। और जितना भी अर्थ का इन्वायरमेंट है उसको साफ करता है, कि डस्ट लेयर्स को हटा के, क्योंकि पेड़ सब है उसके भी पत्तों पर डस्ट होता है, वो सबको साफ करके अर्थ को क्लीन और ब्यूटीफुल बना देता है, समझे। तो ये था कन्वर्सेशन पोएट और रेन के बीच में। बाकी इतना चीज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो ये पोएट का अपना थिंकिंग है, ये पोएट का अपना रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, ये पोएट का अपना रिफ्लेक्शन है, अपना थिंकिंग है, अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि ये चीज़ को ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, तो इसका रीज़न आपको ये देना है कि ये जो ब्रैकेट वाला बात है ये इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, ये पोएट का क्या है, रिफ्लेक्शन, थिंकिंग या फिर ऑब्जर्वेशन है, समझे। अब इन्होंने क्या सोचा उसके बारे में आते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर आपको दो चीज़ बता दें कि इस पूरे कन्वर्सेशन में दो वॉइस है, वॉइस दो है, एक है पोएट का वॉइस जो किसी पहले लाइन तक ही सीमित है, यहीं से यहीं तक, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, और दूसरा है रेन का वॉइस। रेन का वॉइस पूरा, ये सब तो रेन ही बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया रेन का वॉइस, ठीक है, और पोएट का वॉइस यहाँ से यहाँ तक, समझे। चलिए अब देखते हैं पोएट ने क्या क्या सोचा। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, देखिए क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। देखिए इसको समझने के लिए हमें वापस इस लाइन पर आना पड़ेगा। यहाँ पे रेन ने कहा था कि मैं अर्थ का पोएम हूँ, मतलब जिस मतलब यहाँ पे रेन को कंपेयर किया गया था पोएम यानी म्यूजिक के साथ या फिर सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो उसी चीज़ को वापस यहाँ पे पोएट सोचते हैं। तो इस वाले पार्ट में कहा जा रहा है कि फॉर सॉन्ग, जहाँ तक बात करें सॉन्ग का या फिर म्यूज़िक का या फिर पोएम का, पोएट्री का, ठीक है, तीनों को एक ही मान के चलेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरीके से कोई सॉन्ग है वो अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होता है, बर्थ प्लेस यानी अगर कोई सिंगर गा रहा है तो उसका गला हो गया बर्थ प्लेस, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है वो इंस्ट्रूमेंट हो गया उसका बर्थ प्लेस। तो वहाँ से कोई अगर धुन निकलता है, कोई अगर म्यूज़िक निकलता है, तो वो अपने आसपास वेंडर, वेंडर मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर वो आवाज़ जाता है, हर दिशा में आवाज़ जाता है, ठीक है। और जो जो भी लिसनर है उनके पास वो आवाज़ पहुंचता है, उनको फुलफिलमेंट मतलब उनको संतुष्टि दे देता है, उनको भी क्या कर देता है, सॉन्ग जो है उनको काम, कामनेस प्रोवाइड करता है, उनको हील कर देता है एक तरफ से मानो, ठीक है, उनको रेजुविनेट कर देता है, और उनको क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये सब वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उनको थ्रिल कर देता है, ठीक है, लिसनर को इतना काम करने का बाद। फिर कोई ऐसे भी लिसनर होंगे जो इस सॉन्ग पे म्यूज़िक पे ध्यान ही नहीं देते होंगे, ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, रेक्ट और अनरेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है केयर्ड अबाउट, ठीक है, और अनरेक्ट का मतलब होता है अनकेयर्ड फॉर। तो भले ही कोई उस सॉन्ग को केयर करे या फिर नहीं करे, ठीक है, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, फाइनली वो जो सॉन्ग है या फिर म्यूज़िक है वापस वो अपने बर्थ प्लेस पे चला जाता है, मतलब वो वापस नेचर में समा जाता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से एक सॉन्ग का लाइफ साइकिल हो गया कि वो अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होगा, आसपास खुशहाली पहुंचाएगा, भले ही किसी को खुशहाली लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, वापस वो अपने बर्थ प्लेस पे समा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉन्ग का लाइफ साइकिल। तो ऐसा ही कुछ लाइफ साइकिल है रेन का भी,
रेन भी अपने ओरिजिन बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, फिर वापस अर्थ पे आके काफ़ी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर देता है, अर्थ का मानो प्यास बुझा देता है, ठीक है, ड्राउट्स को मिटा देता है, डस्ट को हटा देता है, अर्थ को क्लीन और ग्रीन कर देता है, ठीक है। तो रेन भी इतना सारा काम करने के बाद वापस अपने बर्थ प्लेस पर समा जाता है। तो यहाँ पे रेन और सॉन्ग को कंपेयर किया गया है, तो इस कंपैरिजन को बोलते हैं ड्रॉ अ पैरेलल। देखिए दो टाइप का फ्रेज होता है, ये दोनों फ्रेज आप याद रखेंगे, एक होता है ड्रॉ अ पैरेलल, ड्रॉ अ पैरेलल का मतलब होता है कि आप किसी दो चीज़ों में सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे दो चीज़ सिमिलर है। और एक होता है ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन, इसका मतलब होता है कि आप दो चीज़ों में बता रहे हैं कि दोनों चीज़ कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप ही बताइए पॉइंट क्या कर रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं या फिर डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है पॉइंट भी यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं दो चीज़ों में, किस में, एक हो गया रेन में और एक हो गया सॉन्ग में। तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड सॉन्ग, कैसे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे रेन अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और पूरा करके वो सभी चीज़ को क्लीन और ग्रीन, रेजुबिनेट, ट्रांसफॉर्म, थ्रिल काम प्रोवाइड करता है, ठीक है, सीड्स को जर्मिनेशन में हेल्प करता है, उसी तरीके से सॉन्ग भी जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या फिर लिसनर को प्लेजर, कामनेस, हिलनेस, ठीक है, रेजुबिनेशन प्रोवाइड करता है और उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये दोनों चीज़ों को पोएट सिमिलर बता रहे हैं इस पोएम में, समझे। चलिए तो बस इतना ही था ये पोएम, चलिए बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे जो रेन जो है वो आंसर देता है, रेन गेव मी एन आंसर, क्या रेन को भी आंसर दे सकता है, नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो मतलब यहाँ पे रेन को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई एम द पोएम ऑफ द रेन, यहाँ पे पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे जो रेन है वो क्या पोएम है सच में अर्थ का, नहीं, तो यहाँ पे रेन को कंपेयर किया गया है एक म्यूज़िक से, ठीक है, और एज या फिर लाइक वर्ड यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या होगा, मेटाफोर होगा, समझे। क्या होता है मेटाफोर का स्पेलिंग, METAPHOR, समझ रहे। चलिए अगला पोएटिक डिवाइस होगा पैरेललिज्म, यहाँ पे पोएट दो चीज़ों के बीच में पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, एक है सॉन्ग और एक है रेन, ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा पैरेललिज्म। स्पेलिंग क्या होगा, पी पैरेलल लिख दीजिए सबसे पहले और ISM पैरेललिज्म, ठीक है। चलिए अगला पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले, हाइपरबोले मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यहाँ पे सी को बोला गया है बॉटमलेस सी, ठीक है, तो ऐसा कोई सी नहीं होता है जिसका कोई बॉटम ही ना हो, ठीक है, सबका बॉटम होता है, तो यहाँ पे सी को बॉटमलेस बोला गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले, ठीक है। फिर अगला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, जब पोएट यहाँ पे रेन को या फिर सावर को सॉफ्ट फॉलिंग बोल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रहा है कि जो रेन है वो काफ़ी धीरे धीरे सॉफ्टली गिर रहा है ज़मीन पर, तो यहाँ पे एक इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, समझे। बस इतना ही आपको पोएटिक डिवाइस यहाँ से तैयार कर लेना है, और बाकी अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस चीज़ों को याद कैसे करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे और वो आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। जो भी नोट्स है, जो भी पॉइंटर्स होंगे वो हम एक जगह पे दे देंगे, उतना चीज़ आप याद कर लीजिए, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर लिख पाएंगे। आपको पता ही होगा शायद मेरा वेबसाइट www.cbseguidanceweb.com, इस पर जाएंगे, क्लास 11 वाले सेक्शन पर जाएंगे, फिर इंग्लिश में क्लिक करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर का नोट्स, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा, समझे। चलिए और जो भी हम वर्ड्स यूज़ किए हैं अभी जो पोएम को पढ़ाते वक्त, इस सब वर्ड्स को हम उस नोट्स पर इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि आपको आपके लिए आसानी हो, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, इतना ही था, मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी आप कुछ पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं आपको ये पोएम कैसा लगा, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।